हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक लिस्ट में से लार्जेस्ट आइटम को कैसे फाइंड करें। यानी कि अगर हमें एक लिस्ट दी गई है और हमें बोला जाता है कि इस लिस्ट में से जो लार्जेस्ट नंबर है उसको हमें एक अलग से वेरिएबल में निकाल के बताओ, यानी कि जो भी जैसी प्रोग्राम रन होए वो इस लिस्ट में से लार्जेस्ट नंबर को सर्च करके आउटपुट दे। तो पाइथन में हम कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए बिना कुछ ज़्यादा समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और ताकि आपको बराबर दिखे। तो मान लीजिए कि हमें फर्स्ट लिस्ट दिया है जिसमें कि ये सारे आइटम्स हैं। इसमें से हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो कि हमें दिखाई दे रहा है 56। लेकिन ये प्रोग्राम रन करने के बाद हमें 56 आउटपुट आना चाहिए। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, सिंपली हम एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे जिसमें कि वो वैल्यू स्टोर हुए। तो मैं लिख लेता हूँ आई बिग वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये टेम्परेरी वेरिएबल है। इसके बाद मैं इसमें फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर आइटम इन एल एफ, यानी कि लिस्ट का नाम जिसके अंदर हमें लूप चलाना है। और मैं कंडीशन लगाऊंगा अभी, इफ अगर आइटम इज ग्रेटर देन आई ऑफ बिग वैल्यू, यानी कि अगर इसका ये हर एक आइटम अगर इससे बड़ा है तो हमें करना क्या है, इस बिग वैल्यू वेरिएबल में जो हमने टेम्पररी वेरिएबल लिया है उसको इसके अंदर स्टोर कर देना है। और लास्ट में बस हमें करना है प्रिंट। प्रिंट में हम लिख सकते हैं बिग वैल्यू इज आई ऑफ बिग वैल्यू। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि मैंने यहाँ क्या किया। मैंने एक टेम्प्ररी वेरिएबल लिया जिसके अंदर वो जो बिग वैल्यू रहेगा वो जाके स्टोर होएगा। कैसे स्टोर होएगा, मैं लूप चलाया हूँ ताकि हर एक एलिमेंट लिस्ट के हर एक आइटम्स को मैं एक्सेस कर पाऊँ। उसके बाद एक्सेस करने के बाद मैंने उस आइटम को कंपेयर किया इस बी एक्टिव के साथ, मतलब आई ऑफ बिग वैल्यू जो भी है, जो भी आप अगर आप कोई और वैल्यू ले सकते हो वो आपके ऊपर है। उससे मैंने कंपेयर किया हर एक आइटम्स को, जैसे इसकी वैल्यू इससे बड़ी है। यानी कि अगर स्टार्टिंग में आप देखोगे कि ये 0 है, ये 5 है, तो ये वैल्यू ट्रू हो गया, यानी कि ये 5 0 से बड़ा है। इसीलिए बी आई बिग वैल्यू इज इक्वल टू आइटम, यानी कि इसके अंदर की वैल्यू को हमने अपडेट किया। अब ये 0 से जब ये यहाँ आएगा, जो लूप है वो इधर जब आएगा तो 5 ये बिग वैल्यू के अंदर जो 0 है वो हटके 5 बन जाएगा। जो भी बिग वैल्यू के अंदर वैल्यू था वो अपडेट होके 5 हो जाएगा। जैसे जैसे लूप चलेगा वैसे वैसे यहाँ कंपेयर होके जैसी इसको बड़ी वैल्यू मिलेगी वो इसके अंदर स्टोर कर लेगा। और मैं अभी इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। रन करने के लिए हम प्ले बटन पर दबाएंगे तो आप नीचे देख सकते हो मैं इसको रन करूंगा और आप देख सकते हो कि हमें क्या मिला, 56, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि एक लिस्ट में अगर हमें बड़ी वैल्यू आउटपुट में लेके आना है तो कुछ हम इस तरह से कर सकते हैं। और अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास नेस्टेड लिस्ट है, तो उसके अंदर से हम कैसे बिग वैल्यू निकालेंगे। नेस्टेड लिस्ट किसको बोला जाता है, नेस्टेड लिस्ट यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बड़ा लिस्ट है, उसके अंदर दो लिस्ट है, एक ये है और एक ये है। देन उसके अंदर और दो क्या, इसमें तीन लिस्ट है, इसमें दो लिस्ट है। और इस तरह के नेस्टेड लिस्ट में आपको अगर बिग वैल्यू निकालना है कि कौन सी बिग वैल्यू है सबसे बड़ी, तो सिंपली ये सेम मेथड रहेगा, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा लाइन आपको ऐड करना होगा। मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लाइन आपको ऐड करना होगा। वो एक्स्ट्रा लाइन क्या है, वो एक्स्ट्रा लाइन फॉर लूप और एक्स्ट्रा चलाना होगा। मैं यहाँ चलाऊंगा फॉर डीप वन इन आइटम फॉर डीप टू इन डीप वन। तो डीप जो है, मैं पहले इसमें लूप चलाया
फॉर आइटम इन लिस्ट सेकंड, यानी कि ये वाला। तो अभी आइटम के अंदर क्या आ जाएगा, ये लिस्ट आएगा और ये लिस्ट आएगा, और इसके अंदर भी दो लिस्ट है, इसलिए मैंने डीप वन चलाया। और डीप वन फॉर ऑफ आइटम, अब आइटम के अंदर डीप वन क्या है, आइटम के अंदर, इस वाले आइटम के अंदर डीप वन ये वाली लिस्ट है, ये वाली और ये वाली, जितना भी इसके अंदर लिस्ट रहेगा, कोई भी एलिमेंट रहेगा, वो डीप वन के अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर आइटम है, मतलब तीन स्टेप के बाद हमें वो आइटम मिल रहा है, वो एलिमेंट मिल रहा है जिसे हमें कंपेयर करना है, तो डीप टू के अंदर आता है। डीप वन में से, डीप वन यानी कि ये और ये जो भी इसके अंदर है वो सब डीप वन के अंदर आ रहा है, और डीप टू में हमें वो वैल्यू मिल रहा है। अभी हम सिंपली यहाँ कंडीशन चला देंगे, इफ इफ डीप टू इज ग्रेटर देन आई बिग वैल्यू, सो आई बिग वैल्यू इज इक्वल टू डीप टू। तो सिंपली हमें बस, हमने लूप को एक्स्ट्रा बढ़ाया, जितना भी इसके अंदर लिस्ट लिस्ट था उतना हमने लूप चलाया, और लास्ट में कंडीशन जो कि हमने पहले वाले प्रॉब्लम में ऐड किया था इफ कंडीशन, सिंपली वही रहेगा। अभी मैं इसको भी अगर रन करूँ तो मुझे सेम आंसर मिलेगा। अभी मैं इसको आपको रन करके दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ आंसर 56 है। अगर आप इस लिस्ट को अपडेट करोगे, जैसे यहाँ 56 है, आप यहाँ 99 ऐड कर दो, 99 ऐड कर दोगे तो आउटपुट में 99 आएगा। तो आप देख सकते हो कि 99। तो इस तरह आप सिंपल एक लिस्ट में, अगर आपके पास कोई सिंपल एक लिस्ट है तो कुछ आप इस तरह से वैल्यू को निकाल सकते हो, बिग वैल्यू को, जैसा कि मैंने फर्स्ट वाले में बताया। और अगर आपके पास नेस्टेड लिस्ट है तो इस तरह आप नेस्टेड लूप का यूज़ करके उस बिग वाले वैल्यू को, बिग वैल्यू को एक्सेस करके उसे आउटपुट में ला सकते हो। तो ये तो था दो प्रॉब्लम। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ फीडबैक देना है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।